और सर मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबसे मेन चीज मतलब फोटोज क्लिक करने में पहले शर्म सी लगती थी, अब लेकिन काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। और पिछले 6 महीने का रिजल्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी तक। ये था कि डे टू डे सर नॉर्मली हम शॉप पे सर मेरी कैप नहीं छूट पाती थी। सबसे मेन बात है कि सर मेरी कैप छूट गई, मैंने सारी कैप उठा के बाहर फेंक दी है, अपनी एक भी कैप नहीं रखी है। सबसे मैं उस बात की खुशी मनाता हूँ सर। अच्छा, आगे हम नॉर्मली अपना नाराज बस होके जा सकते हैं कैसे आप भी बाल शॉप उड़ जाए, खराब हो जाए, मेरे को कैप पे। लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मतलब ये अचीवमेंट तो बस है बहुत बड़ा। जी हाँ, इसके अलावा और जैसे हम आप पुराने किसी अपने कस्टमर से या आपके किसी पुराने रिलेटिव से मिलते होंगे सर, रिलेटिव्स का भी तो यही कहना है कि मतलब तुम शक्ल ही तुम्हारी एकदम चेंज हो गई है बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से पिछले, बदल गई है, हाँ कुछ लोग एकदम पहचान से। नहीं पा बचपन रहे। से सर फैमिली वाले भी वही बाइंडनेस देखते हुए आए थे कि नहीं ठीक अच्छा, है, अब कुछ तो ये बोले कि यार। टुडे हेयर विद अस वन ऑफ अनदर पेशेंट मिस्टर दिनेश। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है इनकी, हमने जब ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया था तो पहले काफ़ी कन्वर्सेशंस हुई थी, फिर ट्रांसप्लांट का भी पूरा वीडियो आपके पास है। अभी हम बैठे हैं 6 मंथ के रिजल्ट पे, है ना, नियर अबाउट 6 मंथ का रिजल्ट है दिनेश, है ना। ये मतलब अभी मतलब कैसा फील कर रहे हो, क्या है मतलब जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करें तो कैसा क्या है कि क्या आपने फेस किया टोटल इन 6 मंथ में, क्या आपको लगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। 6 मंथ्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है अभी इस समय। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। पहले जो पूरा पैची एरिया था वो पूरा कवर्ड हो गया है अब ट्रांसप्लांट के 6 मंथ्स में ही, और अभी फुली रिजल्ट नहीं आया है एज़ पर यू, तो अभी वेट कर रहे हैं और फुल रिजल्ट आने का। 12 मंथ्स में पूरा प्रॉपर रिजल्ट आएगा, लेकिन 6 मंथ्स में भी काफ़ी अच्छा मेरे को ग्रोथ नज़र आ रहा है, तो विजिबल उसमें रिजल्ट आ जाता है, मतलब विजिबल विद इन अच्छा सिक्स है। मंथ वी कैन हाँ एक्सपेक्ट ए विजिबल रिजल्ट विजिबल, कि हाँ लोगों को दिखने बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लोग नोटिस करने लगते हैं, हमें भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बस बूस्ट होने बस लगता है, ये चीज़ तो होने लगती है। बिल्कुल सर, हालांकि शुरुआत के 2 से 3 महीने थोड़ा सा पैनिक स्टेट आ गया था, है ना यस सर, वो दिनेश। 3 महीने शेडिंग फेज जो चला था ना वो बड़ा खतरनाक होता है सर, अच्छा, उसमें थोड़ा घबरा गए थे हम। उसमें क्या क्या बट थॉट्स चलते हैं, मतलब माइंड में के बहुत सारे थॉट्स सर होते होंगे थॉट्स ना। यही आते हैं कि यार अच्छे भले मतलब बाल लगे थे, अब निकल गए चले गए, अब दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अच्छे हाँ वो ग्रोथ शेडिंग फेज चलता है तो अच्छी ग्रोथ आती है उसके बाद। अच्छा, तो वो एक पीरियड में मतलब रहा। अच्छा, बिल्कुल जब हमारा ट्रांसप्लांट हो रहा था तो आपने पहले तो मतलब काफ़ी मतलब पेशेंट्स वगैरह भी देखे हुए बिल्कुल थे और बिल्कुल सब था, है ना, जैसे आपका एक फ्रेंड भी था आपने बताया ना जिनका मेरा हम कॉलेज फ्रेंड हाँ, था सर, अच्छा कॉलेज हाँ फ्रेंड थे जी, वो, तो ओके। उनसे मैं मिला था तो उन्होंने ही कंसल्ट किया कि बिल्कुल यू शुड गो फॉर इट एंड बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, ऐसा कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है बिल्कुल भी। तो उनके रिजल्ट्स मैंने मेन देखे थे, ओके बाकी हाँ सब चीज़ें तो एक तरफ, बट उनका रिजल्ट बोल रहा था हाँ तो उसी बेसिस पे फिर मैं भी, मेन चीज़ जब रिजल्ट अच्छा आ जाता हाँ, है तो फिर तो सब फिर चीज़ें सबसाइड वो हो जाती बस, हाँ हैं थोड़े बहुत अप्स जितना एंड भी डाउन्स जो है। होते हैं वो सब फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट उनका अच्छा था और मेरा भी अभी हाल फिलहाल अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, और मतलब अभी इसके अलावा जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सर में दर्द बना रहता है, या नॉर्मल हम काम नहीं कर पाते, या नॉर्मल केयर या शैम्पू नहीं कर पाते, तो आपको अभी क्या लग रहा है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या इन्फेक्शन ऐसा फील किया आपने? नहीं सर, ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं फील हुआ है, बाकी अच्छा। पेन वगैरह तो नॉर्मल सी बात है सर, आप कोई भी सर्जरी करवाएं तो 2-3 दिन पेन रहता है, 10 दिन पेन रहता है, बट ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोई ऐसी लाइफ में भी कोई चेंज नहीं है कि कुछ ऐसा कोई क्विट करना पड़ा है, कुछ खाने की चीज़ या कुछ, नॉर्मल डाइट्स हैं, नॉर्मल सब कुछ हैं, बल्कि तो शायद हेल्दी डाइट्स ही लेनी बस चाहिए, है हेल्दी ना। डाइट्स, हाँ, हाँ हेल्दी वो डाइट अपन जो हमें प्रॉपर जो लेना हेल्दी चाहिए। डाइट्स लेते हैं वो कंटिन्यू रखना है एंड बस आपका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक सैलॉन, जैसे कई हमारे पेशेंट होते हैं वो पूछते हैं कि सर हमें कोई स्पेसिफिक सैलॉन जाना पड़ेगा या कोई इम्पोर्टेड शैम्पूज लगाने पड़ेंगे क्या इसके लिए, इसकी कोई एक्स्ट्रा बहुत मतलब केयर है, नहीं तो सर ऐसा कुछ ऐसे आपने फील सर किया? मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं सैलून जो अभी जा रहा था पहले से शुरू से ही वहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं अब वहाँ पर अच्छा, जाकर, हाँ ये कि चीज अपने चीज़ तो है। टॉवेल्स एंड सब कुछ ले जाकर पूरा अपना मतलब, नहीं, यूजुअली भी हमें हाइजीन का थोड़ा ध्यान हाँ रखना ही बट चाहिए। ये ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा मैं करने लगा हूँ सर, हाँ, कोविड कि की वजह से भी कर बड़ी रहा था, मुश्किल से थोड़े हाँ से हमें थोड़े मिले से हैं आए एक लुक हैं और वो तो डैमेज ना इनको हो। थोड़ा बचा के चलना है सर अब। अच्छा, ये एक चीज़ तो खैर अच्छी जी बात है। अच्छा, और इसके अलावा जैसा हम आपने मतलब और
कोई स्पेसिफिक शैम्पू या कोई ऐसा कुछ लगाते हैं क्या इसके लिए कि नॉर्मल जो शायद हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं, आप कोई भी बेबी शैम्पूज यूज करें है ना, या तो कोई बेबी शैम्पू यूज करें या जो माइल्ड शैम्पूज हैं वो यूज करें, तो उसके अलावा कोई स्पेसिफिक शैम्पू आपने यूज किया है क्या? नहीं सर, वो जो प्रिस्क्राइब शैम्पू आपने लिख कर दिया था एक शायद से, बस वही मैं यूज, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हां एंटी डैंड्रफ, वो मेडिकली जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, और बाकी मैं डेली रूटीन में अपना जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज कर ही रहा हूँ, उसके अलावा कोई यूज नहीं कर रहा। अच्छा, और इसके अलावा जब जैसे कई मतलब इसमें मिथ है इससे रिलेटेड है ना कि ये बाल आपके मतलब बेसिकली कटवा नहीं सकते आप, मतलब उगते नहीं हैं, या मतलब और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड मिथ हैं कई सारे, जैसे एक मिथ, तो चलो हम एक एक करके मिथ को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं कि कटवा नहीं सकते, तो कटवाने के लिए तो हेयर कटिंग जैसे आपने बताया, तो 6 महीने के अंदर 2-4 से ज़्यादा बार हेयर कट ले चुका हूँ। अच्छा, 2-4 बार हेयर कट हो चुका है, उससे ज़्यादा भी ले लिया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो ग्रोथ प्रॉपर नॉर्मल रहती है, जैसी ग्रोथ रहती है वैसा हेयर कट हम लेते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपने जैसे जिस दिन प्रोसीजर था तो मेन पेन शायद एनेस्थीसिया का ही रहता है, बस वही 15 मिनट का एनेस्थीसिया का पेन था सर, उसके बाद से तो सर आई वाज स्लीपिंग प्रॉपर्ली, उसमें तो थक गया था, मतलब काफी थक भी गए थे आप, टायर्ड तो शायद टायर्ड भी थे, एंड थोड़ा मतलब इतना मतलब लाइट वो चल रहा था प्रोसीजर की मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे सर पे कुछ काम चल रहा है या कुछ। अच्छा, मतलब बेसिकली मतलब ऐसा फील नहीं हुआ, कुल मिलाकर हम आराम से रिलैक्स वे में लेटे हुए, रिलैक्स वे में, नॉर्मल वे में थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आफ्टर प्रोसीजर, जैसे प्रोसीजर जिस दिन चल रहा होगा उस दिन भी माइंड में कई सारे थॉट्स होंगे दिनेश, सर यही थॉट्स रहते हैं कि सर अब इतना बड़ा प्रोसीजर है, घर वाले टेंशन में, मैं टेंशन में, तो थोड़ा लगता है सर कि हो जाए सही से, बस थोड़ा। अच्छा, तो ये एक चीज बड़ी थी। अच्छा, उसके बाद जैसे यूजुअली आपने जो थोड़ा बहुत कभी पेन फील किया होगा शायद, मतलब जैसा हम समझ पा रहे हैं सर, वो मैक्सिमम 10 दिन के लिए था जो एक्स्ट्रा केयर थी, और वो पेन का जो वो जो एक वो था ना सर, वो 10 फेस था, वो 10 या 11 दिन का था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ सर। हाँ, वो भी माइल्ड जैसे कभी थोड़ा बहुत हो गया, उसकी भी सर आपने मतलब पूरा वो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर दी हुई थी, तो सच कोई ऐसी मेरे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई सर। मेन चीज ये है कि डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर इजी प्रोसीजर मेरे लिए तो मतलब इजी गोइंग था बहुत, ऐसा कोई मतलब इतना बड़ा सर्जरी है देखने के लिए, बट वो अपने ऊपर ले देखने में तो लगता है कि काफी बड़ी होगी, एक एक मतलब रूट इम्प्लांट हो रही है, वो थोड़ा लगता है देखने के लिए, बट इतना कोई पेनफुल वो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं स्वेलिंग आ जाती है ना, स्वेलिंग का भी कई लोगों के अंदर माइंड में मिथ है ना कि स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए, हम मतलब काम पे नहीं जा सकते हैं, तो आपने काम पे जाना कब से स्टार्ट किया था वैसे? फ्रेंकली स्पीकिंग 3 दिन तक मैंने बेड रेस्ट लिया था टोटल, जब मेरा फर्स्ट हेयर वॉश हुआ था, उसके बाद से मैं नॉर्मल रूटीन पे वापस चला गया था। 3 दिन के बाद वापस 3 दिन मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, फिर बढ़िया अपना शॉप गए, अपना काम चालू कर दिया, अपना पूरा काम काज जैसे डेली रूटीन था बस वही किया मैंने अपना, केवल 3 दिन थोड़ा मैंने प्रिकॉशियस रहे, वो 2 से 3 दिन धूल मिट्टी से बचाना भी होता है हमको, कोई भी प्रोसीजर हो उसमें तो मतलब फर्स्ट है वॉश के बाद तो मेरा प्रॉपर रूटीन चालू हो गया था जैसा पहले था। जी जी जी, चलिए ये भी एक बढ़िया रहा, ये भी मतलब कई लोगों में रहता ना कि रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे, जैसा मतलब एक तुम्हारा भी डाउट था कि मतलब क्या रूटीन हम फॉलो कर पाएंगे, जा पाऊंगा जॉब वगैरह पर या काम काज पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और मतलब डाउट रहता है कि डोनर साइड जहाँ से मेरे बाल निकाले गए हैं वो कितना इफेक्टेड होगा, तो आप एक बार थोड़ा सा मतलब टर्न करके दिखाएंगे चेयर को कि किस तरीके का इफेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं अभी भी दिनेश का, आप डोनर साइड भी देखेंगे जहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन किया है, तो इट्स नॉट मतलब कि आपको ऐसा कोई जज नहीं होगा कि हमने कहीं से बाल निकाला है, ऑल दो हमने एक्सट्रैक्शन किया है ना इम्प्लांटेशन के लिए, बट ऐसा जज नहीं होगा आपको, ये एक बेस्ट पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसे कई लोगों के मन में जो डाउट रहते हैं तो वो हम क्लियर कर रहे हैं इसको भी, ठीक है दिनेश, आप जब उसको टर्न कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ एक दिनेश और बात रहती है इसके अंदर कि कई लोग, अच्छा मतलब आपने ओवरऑल कैसा हमारे साथ कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा टोटल? सर आपके संग तो बहुत अच्छा रहा, और आपकी टीम भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, आप भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं जी, एज सच कोई एकदम प्रेशर वाले डॉक्टर नहीं है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो, आप अच्छे से सॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को और प्रॉपर टाइम पे अपना सब कुछ सॉर्ट करवाते हैं पेशेंट से, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है सर। अच्छा, हमारे रेगुलर फॉलोअप्स भी चल रहे थे, शायद जब हमारी बात होती थी तो हम आपको गाइड भी कर देते थे, ऑन कॉल आपके फॉलोअप्स मिल जाते थे, कुछ भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल बेझिझक फ़ोन कीजिए सर के लिए, सर को एकदम
और एकदम इंस्टेंट रिप्लाई सर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो वो भी एक मतलब ये भी हाँ, एक रिप्लाई का भी इशू खत्म हो गया। हाँ इशू का मतलब मेरे को तो ऐसा नहीं लगा सर अभी छः महीने में नहीं छः महीने से क्वाइट मतलब काफ़ी लंबा पीरियड है, इतना छोटा जब भी आपको कॉल किया सर आपने मतलब मेडिसिन भी प्रिस्क्रिप करी, ऑनलाइन भी करी और मैंने वीडियो कॉल भी करते हैं सर इनफैक्ट की देखने के लिए कि क्या ग्रोथ कैसी चल रही है क्या नहीं चल रही है। एक थोड़ा सा देखो मैं मेरा भी ये मानना है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच का ब्रिज हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो रिजल्ट इफेक्टेड होंगे। वो थोड़ा कन्वीनियंट लगता है कि हाँ डॉक्टर मतलब इतना वो कर क्योंकि हमें थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम लग रही है ना कि ये चीज रिजल्ट को इफेक्टेड कर रही है, तो आपको वो गाइड कर दिया वो सॉर्ट हो गई, दैट्स इट। सबसे बेस्ट पार्ट यही रहता है ना, मतलब हर बार मुझे क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इतना कन्वीनियंट रहा है मेरे लिए। अच्छा हाँ वही चीज है। अच्छा शायद 3-4 बार ये आए होंगे ना, चार से पांच बार बस 6 महीने से ज्यादा ना, 4 से 5 बजे कभी दिखाने वो भी सर 3-4 तो PRPs के लिए आना था, उसके अलावा तो बाकी कंसल्ट तो थोड़ा कॉल पे ही हो जाता था। अच्छा ये एक चीज़ रही इसके लिए तो, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अगर कोई करवाना चाहता है या कोई इंटरेस्टेड है तो उसको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और एक्सपेंस की भी अगर हम बात करें तो मिनिमल एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। मतलब हाई आप मेट्रो सिटीज़ में जाकर देखते हैं या कहीं दिल्ली मुंबई वगैरह में, तो उससे तो काफ़ी आपको मतलब फ़र्क मिलेगा रेट्स में भी और सर्विसेज में भी, और ऐसी बात नहीं है, मेरे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। नहीं बेसिकली इसके अंदर एक ये कॉज रहता है ना कि कई लोगों के मन में ही रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है। जैसे हम अगर थेरेपीज की भी बात करें तो यूजुअली अगर आप 6 या 8 थेरेपीज भी लेते हैं तो आपके 30-40 हज़ार रुपए तो शायद उस मेडिकेशन और थेरेपी भी खत्म हो जाते बिल्कुल है ना, और उसमें विजिबल रिजल्ट नहीं होते। आपने भी शायद कुछ ऐसा ट्राई तो किया होगा इस पीरियड में कोई मेडिकेशन या कुछ ऐसा? सर मेडिकेशन सच कुछ तो भास डॉक्टरों का तो नहीं, बट वो ये घरेलू नुस्खे जो रहते हैं सर कि कोई ये बोले ये कर लो, ये तेल, ये ऑयल, ये लगा लो, तो ये सब ट्राई कर लिया, फिजूल की चीजें सर, टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। वो एक बार बाल्डनेस आ गई तो आपको करा लेना चाहिए, और बिल्कुल सेफ साइड है, कोई इशू नहीं है, कोई भी अगर पेशेंट कराना चाहे तो बेझिझक करा सकता है सर। चलिए थैंक यू इसके लिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो मन में, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। लिंक्स आपको इसके सब्सक्रिप्शन में और मतलब डिस्क्रिप्शन पूरा आपको दिया जाएगा, आप इसको फॉलो अप करके पूरा देख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।